आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीका से फोन पे से हम मोबाइल रिचार्ज करेंगे। आए दिन हमें मोबाइल रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है और हम शॉप वाले के पास, दुकान वाले के पास जाते हैं तो हमें टाइम भी लॉस होता है। और वहाँ पे जो है, अगर आप जो है 249 का कराते हैं तो आपको 250 रुपया देते हैं, तो आपको 1 रुपया चेंज भी नहीं देता है, बोलता भैया 1 रुपया चेंज भी नहीं है, तो आपको वैसे भी 1 रुपया का लॉस हो जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप घर बैठे, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, आप घर बैठे फोन पे से आप जो है मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं खुद से ही। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करेंगे। तो फोन पे से कैसे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से खुद से ही अपने मोबाइल फोन से फोन पे से किस तरीके से हम मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बिना शॉप पे जाए, बिना दुकान पे जाए, बिना कहीं इधर उधर भाग दौड़ किए। आप खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप जो है खुद से ही अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। और कैसे फोन पे से ये मोबाइल रिचार्ज करना है तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फ़ोन पे को ओपन करेंगे। ओपन करते ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा मोबाइल रिचार्ज का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ आपको नंबर का लिस्ट आ जाएगा। अगर इसमें आपको सर्च नहीं करना है तो यहाँ पर अपना नंबर डालेगा, जो भी आपका नंबर है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपका कौन सा सिम है, तो इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। जैसे मेरा एयरटेल का है तो यहाँ एयरटेल प्रीपेड वाले पे क्लिक करेंगे। अब आप कहाँ से हैं वो आपका यहाँ पे स्टेट आ जाता है, आप कौन सा स्टेट से है। जैसे मैं यहाँ बिहार एंड झारखंड से हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर एयरटेल प्रीपेड और यहाँ पर आपका जो आ गया है स्टेट का, बिहार एंड झारखंड का। इसके बाद अगर आप प्लान सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर अपना प्लान सर्च कर सकते हैं कितना का आपका प्लान चाहिए। अगर यहाँ से आप नहीं सर्च करना चाहते हैं तो इसके नीचे भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्लान को रिचार्ज करना है, लेना है। इसमें आपको ढेर सारा मिल जाता है। जैसे हमको करना है यहाँ पे 2249 का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए पे RS49 मोर देन इंजॉय और आपको 14 GB डाटा एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको 249 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं और यहाँ पे आपको प्लस 49 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 14 GB एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 2 GB पर डे मिलेगा। तो मैं इस पे वाले पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपना प्लान चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। UPI से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, अपने फ़ोन को डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं उसको आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ डेबिट कार्ड को, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड नंबर डालना है, यहाँ मंथ, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे CVV नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ पे रिचार्ज वाले पे, यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया है। यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल हो चुका है, आपको रिचार्ज वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ तो आपके किस्म जो भी OTP आएगा OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग चल रहा है, आपको कुछ वेट करना है। वेट करते ही आपका जो मोबाइल यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर है प्रोसेसिंग पेमेंट का, यहाँ पे आपका 249 का है तो आपको जो है 249 रुपये ही कटेगा, मतलब 249 रुपये ही कट। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से फ़ोन पे से आप अपना मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।